मैं बस पूजा करके फ्री हुआ था जब तक मेरे पापा मुझको बोलते हैं कि चेक ले जा, कुछ बैंक से पैसे लेके आने। फिर बैंक में अपनी जायदाद से हिस्सा लेने आ गया और इतनी देर में मेरा चेक भी अप्रूव हो गया। घर पर पैसे देने वाले फिर अपनी सस्ती वॉलेट लेके सीधे अपनी कोचिंग के लिए निकल जाता और कोचिंग जाते समय हमेशा की तरह मुझे आज भी भूख लग रही। इस वजह से एक कोकोनट वाटर का सेवन करता हूं और दो घर के लिए पैक करा लेता हूं क्योंकि लेट डाउन को भी तो देने हैं। कोकोनट वाटर पीने के बाद मेरी तो कोचिंग जाने की इच्छा नहीं, इस वजह से मैंने कोचिंग की भी छुट्टी कर दी और मुझको अपने मंदबुद्धि दोस्त की जेम भी हल्की तो करानी थी। इस वजह से मैं सीधे आ जाता हूं बर्गर फार्म की तरफ। मैं तो बर्गर फार्म में पहली बार आया था, अगर आप आए तो आप कमेंट करके बताओ। वैसे बर्गर फार्म के लुक्स तो काफी अच्छे थे। मैंने अपने लिए और अपने मंदबुद्धि दोस्त की एक एक बर्गर ऑर्डर किया था। बाद में ही हमसे कुछ देर वेट करने की बोलते हैं और इस वाली चेयर में बैठने के बाद मुझे तो शेल्टर वाला फील आ रहा था। ये वाली आउटलेट फतेहाबाद और टीडीआई मॉल के पास ओपन है। मेरी इंतजार की घड़ी खत्म हो गई थी क्योंकि मेरा ऑर्डर बिल्कुल रेडी था। ये मेरा मंदबुद्धि दोस्त भूख के कारण रुकी नहीं पाया बट मैंने इसको बोला तू रुक पहले मैं खाऊंगा। और अगर इस बर्गर की टेस्ट की बात करूं जो कि मुझे काफी पसंद आया, इतनी देर में ये भी अपना बर्गर सपाचट कर देता है। मेरा एक्सपीरियंस तो यहां पे काफी अच्छा था।